Da class, da chudi ke. इसको बताइए जो आपका मेन की क्या हुआ अपने शब्दों में बताइएगा कुछ नया वर्ड यूज करके तो पहले तो गेम एडवांटेज था वो कहने और अब चप्पल ना देखा ये यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ये मुंडी इधर दिखाया कीजिए कहने सबसे क्विक प्लेयर था उसके बाद स्मिथ है धोनी कुछ लैग कर रहा था अब बीच में कुछ लगा जब धोनी तीन चार बॉल बुमराह का लीव कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ लगा कि मैच हाथ से निकल रहा है ऐसा कुछ आप थोड़ा है ना कम करेंगे एक अगरबत्ती लाओ स्टूडियो स्टूडियो अगरबत्ती लगाओ इधर एक अगरबत्ती लाओ अच्छा तो लेकिन लास्ट में आप थोड़ा सा हो गए थे कि परसेंटेज दे दिए थे मुंबई को कि 30% विनिंग चांस बन रहा है सही बात तो ये कहाँ पे आपका टर्निंग पॉइंट रहा 30% और कुछ आप इसे नेक्स्ट मैच जो फैब डुप्लेसिस जो ड्रॉप किए इस बार अशोक रिंडा भोसले की हटा उसको अशोक रिंडा भोसरी वाला उसको हटा हर मैच में इसी का ही है सुना रे हटा उसको अशोक रिंडा को ईश्वर पांडे को लाओ कि कटना नहीं चाहिए हटाओ मानजो ईश्वर पांडे को लाओ ईश्वर पांडे हां फैब डुप्लेसिस के बारे में आप क्या बोलना हां फैब डुप्लेसिस भी इन करो और जंपा को बाहर करो रोहित शर्मा को कुछ बोलना चाहते हैं आप अपने बारे में कि क्या वो अपना शगुन वाला हिसाब बरकरार रखें स्टार्टिंग मैच जो तीन चार हार गए वही का हिस्ट्री है पहला चार पांच मैच लगातार भी कह रहा है लगातार वही हां उसके बाद फिर क्या आगे कुछ चांस भी बना है अजी आएगा अजी कुछ काम करे अच्छा मिशेल जॉनसन को ही अच्छा जो ये पोलार्ड भोसरी वाला एवेंडी का कारिम और ये पोलार्ड की प्लेयर है उस समय कोई भी बोला जाएगा आप किस हिसाब से की प्लेयर बोलते हैं वो तो लास्ट थ्री जो आईपीएल में एक में 10 का इकोनॉमी दिया है एक में 9 का इकोनॉमी एक में 13.5 लास्ट ईयर 13.5 का इकोनॉमी पॉइंट का सुखा मतलब ऑलराउंडर की तरफ से खेलता हूं कि बॉलर के ऑप्शन में था दो तीन साल पहले लेकिन इस बार थोड़ा है ना वो अच्छा आप ये कुछ कहना चाहेंगे कि बवरई का फोकस माणिक को ज्यादा करता है मुंह पे टेप लगा देता है शायद इस वजह से मैच हार रहा है ना ना ऐसा कोई बात नहीं फोकस माणिक ऐसा कोई बात मच्छर ज्यादा काट रहा है आपको मच्छर मार रहे हैं माथे से मच्छर हो जाता है मच्छर मार रहे हैं किसान आप कुछ करना चाहते हैं खड़ा हो जाइए बीच में आप क्यों आके चले गए हम चले गए सॉरी सॉरी रिकॉर्डिंग हो रहा है लाइव से बाहर करो स्टूडियो वाले फेंको उनको बाहर मारो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक और विषय लाया जाए कि क्या आप ये जो फील्डिंग का देखा जो स्थिति है क्या ये सही है सुपर जायंट के लिए क्योंकि वो सुपर जायंट का होम ग्राउंड है तो वहाँ नहीं वो ऐसा कुछ इशू नहीं वो बहुत सारे प्लेयर कंप्लेन किए हैं कि ऐसा इशू बन रहा है ये उस समय का ये फर्स्ट इनिंग का है कि उस समय इंग्लिश कमेंटेटर हमारे केविन पीटरसन ने कुछ कहा मनोज तिवारी को कि धोनी को बोलने के लिए तो ये मादक जो मनोज तिवारी तो आज कुछ किए नहीं इन्होंने शायद एक कैच भी छोड़ छोड़ा बकवास बच्चों देखे के